खबर मऊगंज से है, जहां चिटफंड कंपनी कार्यालय पर पुलिस की छापेमारी से हड़कंप मच गया। पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई थी चिटफंड कंपनी में नौकरी के नाम पर ठगी करने की शिकायत। यह पूरा मामला रीवा के मऊगंज थाने का है, जहां पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने चिटफंड कंपनी के कार्यालय में छापा मारा। आपको बता दें, मऊगंज में संचालित हो रहे पिकअप सेंटर में ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पिकअप सेंटर में छापेमारी करते हुए संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस पिकअप सेंटर की तमाम गतिविधियों की जांच में जुट गई है। वहीं पीड़िता के माने तो पिकअप सेंटर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की जाती है। पहले नौकरी दिलाने के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, इसके बाद नौकरी के स्थान पर प्रोडक्ट्स थमा दिया जाता है। क्या दिक्कत है आपको? हमें दिक्कत कोई नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है? पैसे आप जमा करी हैं? हाँ। कितना पैसा जमा करी हैं? 12,500। कितना? 12,500। 12,500। कहाँ से आई हैं आप? बनपाड़ा का। क्या नाम है? विभा केवार। कब से आ रही हैं यहाँ? 26 तारीख से। पैसे किस लिए दी हैं? नौकरी के। कौन सी नौकरी? कौन सी नौकरी? कौन सी नौकरी? यहाँ मैं नहीं पता है, ज्यादा दिन से भी मैं नहीं। तो नौकरी आपको मिल गई क्या? यही तो आ रही हूँ। आपको नौकरी मिल गई क्या? नहीं, अभी यही तो नौकरी करने के लिए आ रही हूँ। तो, क्या काम करना पड़ता है यहाँ? अभी यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग? काहे की ट्रेनिंग ले रही हैं? ट्रेनिंग ले रही हूँ, यही स्मार्ट बात। क्या काम करना पड़ता है यहाँ ट्रेनिंग में? अभी मेरे को ज्यादा नहीं पता है, अभी मैं ज्यादा दिन से हैं, क्या करते हैं? अभी मैं ज्यादा दिन से आ ही नहीं रही हूँ, तो मुझे नहीं पता है। जितने दिन आई तो क्या किया? कुछ नहीं, यहाँ बस ट्रेनिंग देते हैं, वही इन्हीं को याद करती हूँ। वहीं पुलिस ने चिटफंड कंपनी के कार्यालय में पहुंचकर कंपनी के बैंक खातों के साथ ही उसकी अन्य शाखाओं की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। ये आज एक आवेदक आई है, वेदवती रावत, पिता राम सुमेर यादव, निवासी कर रही थाना नईगढ़ी की। ये कॉलेज में पढ़ती है, राम सुमेर रावत, तो ये नईगढ़ी की रहने वाली है और यहाँ कॉलेज में पढ़ाई करती है। और इसके द्वारा ये एक लिखित आवेदन दिया गया है कि इसने दिनांक 2/4/2022 को 12,500 रुपये स्मार्ट वैल्यू कंपनी यहाँ जो मऊगंज में संचालित है उनको दिया था। और उसके द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया है कि स्मार्ट वैल्यू कंपनी में इसने ये पैसा जमा किया गया है। वहाँ जो इनको मैडम मिली थी, उनने ये बताया कि आप 12,500 रुपये लगाइए और 10,000 रुपये उनको महीने के हिसाब से नौकरी मिलेगी, इस प्रकार से। तो फिर इस पूरे मैटर को संज्ञान में लेते हुए मैं अपनी टीम के साथ में, जहाँ पे ये बताया था इसने, तो स्मार्ट वैल्यू कंपनी जहाँ पे संचालित थी वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे देखा, तो वहाँ के जो संचालक थी उनके द्वारा बताया गया कि ये ऑनलाइन मार्केटिंग का काम है। जो 12,500 रुपये पैसा जमा करते हैं ऑनलाइन, जैसा भी जिसको जो सामान पसंद आता है वो दिया जाता है, लेकिन इनके संबंध में इनके पास में ना ही कोई दस्तावेज है कि ये कहाँ से आता है कहाँ से नहीं। और इनके जहाँ पे ये दुकान संचालित है उसमें मकान मालिक से बात की गई, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि इन लोग ने अभी तक हमको कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया है कि ये कहाँ की कंपनी है, कैसी है, क्या करती है, ये इस प्रकार से।